कोणम के बगराजी में भारतीय कृषक समाज ने किसान सेना संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसान हित से जुड़े अनेक निर्णय लिए गए। किसानों ने एक होकर अपने किसान हित की लड़ाई लड़ने की बात कही। सैकड़ों किसानों ने अपनी समस्या रखी। किसान नेताओं ने सभी को आश्वासन भी दिया कि वे उनके हक की मांग शासन के सामने रखेंगे। किसान भाइयों की एक बैठक हम लोगों ने आयोजित की है और इस आयोजन का विशेष प्रयोजन यही था कि हम अपने किसान भाइयों को जागरूक करें और ये जागरूकता अभियान के तहत हमारी बैठकें पूरे जबलपुर ज़िले में चल रही हैं। पिछले 15 बैठकों के बाद आज फिर 16 बैठकें जो है 16वीं बैठक हमारी बगराजी में संपन्न हुई। यहाँ विशेष रूप से हम नवयुवकों को जागरूक कर रहे हैं अपने कि वे आगे आएँ और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार हों और यहाँ पर एक किसान सेवा सेना जो कि हम लोगों ने अभी अभी इसका ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, इसमें 50 साल से नीचे के हमारे नवयुवक साथी इसमें हमारे सदस्य होंगे जो कि अपने लिए खुद लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और इस संगठन के माध्यम से हम फिर आगे जा कर के बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हम लोगों को लड़नी है, चाहे वो केंद्र स्तर की समस्याएं हों। उसमें सबसे बड़ी समस्या हमको समर्थन मूल्य की है, हमको उचित मूल्य सरकार दे और वो हमारा जो उत्पादन है उसके खरीद की भी गारंटी ले, ये हमारी मुख्य मांग है। हमारे ऊपर जो कर्जा हो गया है उस कर्जे को हमसे मुक्त करे और प्रांत लेवल की भी बहुत सारी हमारी समस्याएँ हैं, नहरों की हैं, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, हमें हमारे लोगों को 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही। हमारी मांग है कि 18 से 20 घंटे हमको बिजली मिले। खाद बीज दवाइयां जो हैं वो सोसाइटियों के माध्यम से जो है नहीं मिल रही हैं क्योंकि सोसाइटियां कई जगह पंगू हो गई हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमको युद्ध लड़ना। आज अग्रवाल की अध्यक्षता में समाज के अध्यक्ष महाकौशल संगठन बगराजी में आए। उन्होंने किसान की समस्या को लेकर सभी को अवगत कराया, सबसे सहयोग मांगा, सभी लोगों सहयोग के लिए तत्पर खड़े हैं। जितने टाइम उनकी आवाज़ निकलेगी दौड़ के, जबलपुर तो छोड़ो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो किसान यहाँ का जाएगा। किसानों के हक के लिए उन्होंने बहुत बड़ी योगदान जो अपने जीवन में दिया है, पूरी उम्र उन्होंने खपा दी है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो यह कार्यक्रम रखा है उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। उनके सहयोगी उनके साथ जो आए उनका सबका हृदय से धन्यवाद। अग्रवाल जी जो किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, हम सब लोग राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े होने के बावजूद सब छोड़ के सबसे पहले तो किसानों के लिए हम उनके साथ हैं और उनका जो उद्देश्य है और हमारा भी वही उद्देश्य है कि राजनेताओं को दरकिनार करके हम स्वयं सक्षम बनना चाहते हैं। इसके लिए हम अग्रवाल जी को बधाई देते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा साथ में रहेंगे। जहां बोलेंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि किसान ऐसा है, किसान बहुत सरल है, वो हमेशा से ठगता आ रहा है, उसको उनको हर कोई छल लेता है, उनके साथ हर कोई ठगाई करता है और हमेशा उपयोग होता है सिर्फ उनका। कोई भी सभा में बुला लिया जाता है आपके लिए ये योजना है, ये योजना है, सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब राजनेताओं का साथ छोड़ के हम लोग अग्रवाल जी के साथ हैं, किसानों के साथ हैं और हम खुद को पहले किसान हैं। राजनेताओं के पीछे न लगना पड़े इसलिए संगठन की मजबूती के लिए युवाओं को आगे किया है अग्रवाल जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।